नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। षष्ठी तिथि आज रात 9:59 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल रात 10:38 तक रवि योग रहेगा, साथ ही बड़ा शुभ योग होता है। साथ ही आज रात 11:57 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 9:59 से लेकर कल सुबह 8:57 तक स्वर्ग लोक की निष्प्रभावी भद्रा रहेगी, यानी पृथ्वी पर निष्प्रभावी रहेगी। आज शाम 6 बजे सूर्यदेव पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 मार्च की देर रात 2:21 तक यहीं पर रहेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं, आज ये योग रात 11:58 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है कि रात में कोई कचहरी तो खुलती नहीं, हाई कोर्ट खुलता नहीं, तो उस योग का क्या करें। भाई, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आप उस समय अपने इसको साइन करें, इसको सेंड करें, उस पर कुछ लीगल एक्टिविटी करें, मतलब डू सम एक्टिविटी, इनिशिएट समथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम इफ यू कैन। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग 7 मार्च की सूर्योदय से रात 8:59 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:41 से दोपहर 2:27 तक और शाम 4:47 से 6:20 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 मार्च की सुबह 6:28 से 9:22 तक और दोपहर पहले 11:17 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:41 से दोपहर 2:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 5 मार्च की सुबह 10:13 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 5 मार्च की सुबह 10:13 से शाम 4:43 तक और शाम 7 बजे से रात 1:55 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 मार्च की सुबह 10:13 से शाम 4:43 तक और शाम 7 बजे से रात 8:43 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 5 मार्च की सुबह 10:13 से शाम 4:43 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति शाम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 5 मार्च की रात 2:12 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:28 तक। मुंबई दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:02 से दोपहर 3:29 तक। लखनऊ दोपहर 1:46 से दोपहर बाद 3:14 तक। भोपाल दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:28 तक। कोलकाता दोपहर 1:17 से
दोपहर 2:45 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:47 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम।